हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी एग्जाम पैटर्न की। तो गाइस, कैपजेमिनी हायर करती है फ्रेशर्स को एनालिस्ट की पोस्ट पे, तो आपका क्या सिलेबस होता है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके इसमें कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्राइटेरिया होता है बी बी टेक एम ई एम टेक फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ सी एस ई ई सी ट्रिपल ई आई टी एंड सिविल। तो आपकी बी वी टेक एम ई एम टेक एम एस सी एंड बी एस सी बी सी ए बी कॉम बी ए एंड एम सी ए के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज का जो क्राइटेरिया होता है वो 60% टू 65% होता है। तो 65% तक आपके होना चाहिए अपने एकेडमिक्स में इसमें अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं गाइस इसके सिलेबस की, कि अगर आपने अप्लाई किया तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, अगर ऑन कैंपस से अप्लाई किया तो डायरेक्टली आपकी टेस्ट की लिंक आ ही जाती है, अगर आपने ऑफ कैंपस से अप्लाई किया तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपके नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं टोटल 4। फर्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपका होता है यहाँ पे स्यूडोकोड राउंड। स्यूडोकोड में हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस होते हैं आपके। 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है 30 मिनट में। 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है स्यूडोकोड राउंड में, राइट। अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करते हैं तो सेकंड सेक्शन आपका है इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट में भी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 30, एंड 30 क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन को 30 मिनट में सॉल्व करना होता है, राइट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड सेक्शन की, थर्ड सेक्शन जो आपका होता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें बेसिकली आपके गेम बेस्ड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड आपको सॉल्व करना होता है 20 मिनट में, 24 समथिंग मिनट में आपको सॉल्व करना होता है यहाँ पे, राइट। फोर्थ सेक्शन आपका होता है बिहेवियल कंपिटेंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंड आपको सॉल्व करना होता है 20 मिनट में। गाइस, तो आपका यहाँ पे ये एग्जाम पैटर्न होने वाला है। आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं कि आपका सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो सूडो कोड है, इसमें आपके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। अगर सेकेंड सेक्शन की बात करते हैं तो सेकेंड सेक्शन आपका है इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट, जिसमें आपके 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। एंड गेम बेस्ड एप्टीट्यूड में आपके 24 मिनट में 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, एंड बिहेवियल कंपिटेंसी। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट नोट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे सुडोकोड राउंड। सुडोकोड राउंड में आपको क्या प्रिपेयर करना है, सुडोकोड राउंड को प्रिपेयर करने के लिए आपको C++ एंड ओप्स कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ से आपकी C++ के बेसिक्स क्वेश्चन, क्योंकि सूडो कोड में आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोडिंग कराई जाएगी, कोडिंग के क्वेश्चन होंगे, नहीं गाइस, आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एंड यहाँ पे आपके C++ से आप सर जावा से आपकी लाइक टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एंड आपको लाइक आउटपुट बेस्ड, एरर बेस्ड एंड लाइक ऑटोमेटा फिक्स टाइप क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं सूडो कोड राउंड में, राइट। इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या प्रिपेयर करना है, इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट बेसिकली। तो कम्युनिकेशन टेस्ट में आपका इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको पूरी ग्रामर प्रैक्टिस करनी है, लाइक एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट के लिए। एंड गेम बेस्ड में आपकी कुछ पजल्स टाइप्स के अप्रोचेस होती हैं, वो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इंडिया विक्स पर सर्च कर सकते हैं गेम बेस्ड एप्टीट्यूड के लिए, तो आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके सारे राउंड हैं वो एलिमिनेशन राउंड है। आपका फर्स्ट राउंड भी है वो भी एलिमिनेशन राउंड है, यस। आपका जो फर्स्ट राउंड है एलिमिनेशन राउंड, अगर सेकंड राउंड भी आपका एलिमिनेशन राउंड, थर्ड राउंड गेम बेस्ड वो भी आपका एलिमिनेशन राउंड, बट जो बिहेवियर कंपिटेंसी है वो आपका एलिमिनेशन राउंड नहीं है, राइट। एलिमिनेशन राउंड का क्या मतलब होता है, अगर आपने फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं कर पाया देन आप सेकंड सेक्शन यानी कि इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट नहीं दे पाएंगे, एंड फिर आपका सेकंड राउंड क्लियर नहीं हुआ तो आप थर्ड राउंड में नहीं बैठ पाएंगे, राइट। इसमें क्या होता है, अगर एक आपका राउंड क्लियर नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, राइट। तो गाइस, ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका होता है टेक्निकल इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू के बाद होता है आपका एचआर इंटरव्यू। उसके लिए कैपजेमिनी की फुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं वीडियो को। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।